يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم नाज़रीन किराम और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, फ़ज़ाइल जुमुआ इस सीरीज़ की आज की इस नशिस्त में आप सबका खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे नाज़रीन, आज के इस दर्स का उन्वान है देहात और गांव में जुमा। आप बारहा ये सुनते रहे हैं कि शहर में तो जुमा कायम होता है, लेकिन क्या देहात और गांव में भी जुमा कायम किया जाएगा? ये एक मौजू ऐसा है जो मुख्तलिफ़ हालात में, मुख्तलिफ़ अवकात में लोगों के दरमियान छिड़ जाता है, और ये ज़्यादातर आपसी तफरक़े बंदियाँ और मसलकी तअस्सुबात की वजह से ये मौजू सामने आता है। वरना अगर हम सब किताब व सुन्नत ही पर अमल करने वाले बन जाएं तो इस मौजू के लिए कोई जवाज़ ही नहीं। इसलिए कि जिस तरह शहर में जुमा पढ़ने का सबूत है, ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस में देहात में भी जुमा पढ़ने का सबूत मौजूद है, और ना पढ़ने का ना तो किताब में सबूत है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में। आइए मैं चंद हदीसें आपको सुनाता हूँ। फतहुल बारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 379 में है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत मरवी है, कहते हैं इन्न अव्वल जुमुअतिन जुम्मअत बाद जुम्मअत मस्जिद रसूलिल्लाह फ़ी मस्जिद अब्दुल क़ैस बि जुआसा मिनल बहरीन। कि सबसे पहला जुमा जो कायम किया गया है मस्जिद नबवी में जुमा कायम करने के बाद, वो बहरीन के एक गांव जुआसा में कायम हुआ था, मस्जिद अब्दुल क़ैस के अंदर। कितनी वाज़ेह हदीस है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सही रिवायत है, इसमें गवाही दे रहे हैं कि सबसे पहला जुमा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के बाद कायम हुआ, वो एक देहात में जिसका नाम जुआसा है, जो बहरीन का एक गांव है, उस गांव की मस्जिद अब्दुल क़ैस में कायम हुआ था। ये दलील बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है कि हम गांव में भी जुमा पढ़ सकते हैं। और मेरे भाइयों, जुमा कायम करने के लिए कहीं भी शहर की क़ैद नहीं आई है। अलबत्ता हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक कौल ज़िक्र किया जाता है कि उन्होंने कहा था ला जुमुअता इल्ला फ़ी मिस्र, कि जुमा सिर्फ शहर में कायम होगा। तो मैं आपको मालूमात के लिए ये बताता चलूँ कि ये कौल जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मंसूब है, सनदन साबित नहीं है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। तो जुमा इसके लिए जमात शर्त है। जिस तरह और नमाज़ों के लिए 2 आदमी कम से कम हों तो बस जमात कायम हो जाएगी, एक इमाम दूसरा मुक्तदी। ऐसे ही जुमा का मामला है, अगर इमाम के अलावा एक और आदमी मौजूद हो तो वहाँ जुमा कायम किया जाएगा। एक आदमी इमाम बनकर खुतबा देगा और दूसरा आदमी बैठकर सुनेगा, और दोनों जमात के साथ नमाज अदा फरमाएंगे। इसी तरह मैं आपको ये बताऊँ प्यारे नाजरीन कि जुमा जिस तरह से इस्लामी रियासत और इस्लामी बादशाहत में कायम किया जाएगा, जहाँ इस्लामी हुकूमतें हों, ऐसे ही अगर ईमान वाले लोग कहीं ऐसी जगह हैं जो दारुल कुफ्र है, दारुल हर्ब है, लेकिन वहाँ पर उन्हें मस्जिदें बनाने की आज़ादी है, नमाज़ें पढ़ने की आज़ादी है, तो वहाँ उन्हें अपनी जुमा और जमात को कायम करना चाहिए। बल्कि ज़रूरी है, इसलिए कि उन्हें उस दारुल कुफ्र या दारुल हर्ब में भी जुमा और जमात की आज़ादी हासिल है। तो कोई आदमी ये कहकर कि दारुल कुफ्र और दारुल हर्ब है इसलिए यहाँ जुमा नहीं, ये उज़्र नहीं पेश किया जा सकता। जिस तरह दारुल इस्लाम के अंदर जुमा कायम होगा, ऐसे दारुल हर्ब और दारुल कुफ्र में भी कायम होगा। इसी तरह से आप अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में पढ़ें तो फतहुल बारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 310 पर यह बात मौजूद है कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अहले बहरैन को ख़त लिखा था और उसमें कहा था कि ए बहरैन के लोगों, तुम जुमा कायम करो जहाँ भी रहो। शहर में हो तो वहाँ कायम करो, देहात और गांव में हो तो वहाँ कायम करो। कौन है हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु? मुसलमानों के दूसरे खलीफा, वो खलीफा जिन्होंने 10 साल तक खिलाफत की है और अदल इंसाफ का चर्चा आज तक मुसलमानों की ज़बान पर है। तो प्यारे नाजरीन, मैं इस एपिसोड से आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जुमा की नमाज़ जिस तरह शहर वाले कायम करेंगे, ऐसे ही देहात और गांव में भी जुमा कायम किया जाएगा, भले 2 से 4 लोग ही क्यों ना हों। एक आदमी जुमा उसका खुतबा देगा और फिर बाद में सब लोग मिल कर के जमात कायम करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको मसलक की तअस्सुबात से निकल कर, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में साबित है कि देहात और गांव में भी जुमा कायम होगा और हुआ है, अल्लाह ताला हमें उसे कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, उस पर अमल की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन। منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان، الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير